भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने काशी राम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दी भावभीनी श्रद्धांजलि। इटावा में आज वर्तमान बालाजी मैरिज होम में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशी राम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मान्यवर काशी राम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भीम आर्मी के कानपुर मंडल प्रभारी मोहम्मद आमीन ने कहा कि बहुजन नायक 15 व 85 के जनक, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद करने वाले मान्यवर काशीराम साहब को किसी वर्ग या जात के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वह महामानव थे। उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम साहब के 15 बनाम 85 के फार्मूले से ही बन सकती है। आजाद समाज पार्टी के प्रभारी देवराज आजाद ने कहा कि बामसेफ डीएस फॉर व बहुजन पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम के 15वें परिनिर्वाण के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी साथियों द्वारा 15 व 85 के जनक मान्यवर काशीराम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोहित गौतम ने बहुजन नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि काशीराम को किसी धर्म, मजहब, वर्ग व जात बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वह महामानव थे। उन्होंने 15 व 85 की अलग जगह कर देश व बहुजन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। उनके इस मिशन में भारत में समरसता और इंसानी भाईचारा पैदा होगा। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हर्ष चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के रुके कारवां को आगे बढ़ाने का काम बहुजन नायक काशीराम ने किया। मान्यवर काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पर 15 का शासन नहीं रहेगा। जिला पंचायत सदस्य रोहित गौतम ने कहा, देश को सांप्रदायिकतावादी शक्तियों को मान्यवर काशीराम साहब के बना 15 बनाम 85 फार्मूले से परास्त करके दबे कुचले समाज का शासन स्थापित किया जा सकता है। परिनिर्वाण दिवस में उपस्थित रहे आजाद समाज पार्टी वर्तना विधानसभा अध्यक्ष राम नारायण, अनुज कुमार, आकाश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी ये जो मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? मान्यवर साहब हमारे रहबर हैं और उनका आज 15वां परिनिर्वाण दिवस था, जिसको हमने मनाया और उनके जीवन संघर्ष के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को जो भी उनका संघर्ष था वो बताया हमने कार्यकर्ताओं को कि उनके जीवन संघर्ष को पढ़कर समाज में जाके जागृति फैलाने का काम करें और मान्यवर साहब जो हमारे रहबर हैं उनके रास्ते पर चलने का काम करें, उससे हमारी प्रगति पथ के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों ने भी मान्यवर साहब को अपना आदर्श मानते हुए उनको फॉलो करना प्रारंभ किया है, ऐसा क्यों? देखिए, वो एक वर्ग के नेता नहीं थे, उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया और समान जो नीति थी उनकी समान रूप से लागू किया सभी वर्गों को, सभी जातियों को लेकर। और उन्होंने जो एक सबसे बड़ा काम किया, जो सभी जातियों को एक सूत्र में परोने का काम किया, उसी के कारण सभी उनको जो भी राजनीतिक दल हैं सभी ने अपनाया, लेकिन उनकी नीतियों पर चलने का काम किसी भी दल ने नहीं किया। आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद जी, आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे? अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन बात जो भी होगी वो 28 अक्टूबर के बाद क्लियर हो जाएगा कि सभी सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी यदि अपने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारती है तो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संरक्षण, जो हमारी बहन बेटियों को नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा के अवसर हमारे गरीब जो वंचित समाज के लोग हैं उनको समान रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, और स्वास्थ्य जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, सरकारी अस्पतालों की हालत तो आपने देख ही ली है, बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं और सरकार भी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी से लोग जुड़े और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के जो संघर्षमय दिन रहे हैं उनको जिंदाबाद। कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर
इतना अधूरा। हम सब मिलकर